वहीं दूसरी तरफ बात हम सीएम पद के दावेदारों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल सियासी दलों के ज्यादातर दावेदार खुद चुनावी जंग से दूर रह सकते हैं। माना जा रहा है कि सीएम पद के दावेदार अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में अपनी ताकत लगाएंगे और सरकार बनने की स्थिति में एमएलसी बनने का विकल्प चुन सकते हैं। मौजूदा सीएम अखिलेश यादव भी फिलहाल एमएलसी हैं। इससे पहले मायावती ने भी विधानसभा की जगह विधान परिषद का रास्ता चुना था। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी रण में उतरने के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही सभी ये दावा भी ठोक रहे हैं कि इस बार तो सरकार उन्हीं की बनेगी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये है कि सूबे में सीएम बनने की दौड़ में शामिल सभी राजनीतिक दलों के ज्यादातर दावेदार खुद चुनावी जंग से दूर रह सकते हैं। इनका फोकस खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने प्रत्याशियों को जिताने पर होगा। बीएसपी ने अपने 401 कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं। दो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती खुद बीएसपी की ओर से सीएम फेस हैं, लेकिन वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उधर सीएम अखिलेश यादव का भी चुनाव लड़ना अभी तक तय नहीं है। बीच में खबरें आई थी कि अखिलेश बुंदेलखंड की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद अखिलेश की तरफ से उनके पिता मुलायम सिंह यादव की ओर से जारी की गई प्रत्याशियों के लिस्ट में उनका नाम नहीं है। धरती डोल रही है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी में सीएम का चेहरा घोषित होगा या नहीं, ये पक्का नहीं है। बीजेपी अभी तक पीएम मोदी के फेस और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी सीएम फेस के बगैर ही चुनावी रण में उतरेगी। उधर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने शीला दीक्षित को सीएम फेस घोषित किया है। शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। मीडिया के हलकों में किसी सीट पर शीला दीक्षित का नाम भी नहीं चल रहा है। खुद शीला दीक्षित भी कई बार चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दे चुकी हैं। आरएलडी के सीएम फेस जयंत चौधरी को भी पार्टी इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि जयंत चौधरी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल जयंत के चुनाव मैदान में कूदने की संभावनाएं बेहद कम है। साफ है कि सीएम पद के दावेदार खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर रहेगा। जानकारों का मानना है कि यूपी बड़ा राज्य है, यहां चुनाव प्रचार में लंबा वक्त लगता है। ऐसे में सीएम पद के प्रत्याशी अपने चुनाव पर वक्त नहीं दे पाते, इसलिए उनके चुनाव नहीं लड़ने की उम्मीद ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।